लगता है जो अवार्ड्स ये जो हो रहे हैं और जो ये जो लोग सम्मान और धन साथ लेके आ रहे हैं आर्टिस्ट के लिए, बहुत से लोगों का उसमें फ़ायदा होता है, बहुत से लोगों को उसमें वक्त में काम में होता है और बहुत से लोग उसमें हो सकता है कि फेमस हो जाए या स्टार बन जाए। तो हम लोगों के लिए जिस वक्त हम लोग आए थे जिस वक्त सिनेमा में, उस वक्त इतनी सारी उपलब्धियाँ हम लोग को नहीं मिली थी, ऐसे टेलीविजन शोज़ नहीं मिले थे। और आज जनरेशन जो है दे आर वेरी लकी कि ऐसे लोग आए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा योगेश जी का कि वो ये अवार्ड जो है वो शुरू कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं हैं कि जिस तरह से जिस दिन से वो आ रहे हैं वो कामयाब रहे, यही मेरी प्रार्थना है। नहीं, मैं तहे दिल से आपको बताऊं कि मुझे इस फंक्शन में आते हुए इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं मेहनत का पुजारी हूँ। योगेश जी ने जिस तरीके से, मैं उनको 12-15 साल से मुझे हो गया देखते हुए, कि जिस तरीके से वो इतने डेडिकेटेड आदमी, इतने पैशनेट, उनका व्यवहार इतना अच्छा, उनके संस्कार इतने, उनकी मेहनत, वो जो जिस भी फिल्म वाले के साथ जुड़ते हैं नए वालों को भी खूब उनको प्रमोट करने में अपनी अपना ब्राइड का योगदान देते हैं, पार्टनर बनते हैं, पुरानी फिल्म जो मतलब जो बिग फिल्म्स हैं उनको भी खूब तरजीह देते हैं। तो ब्राइट की मेहनत इतनी है ब्राइट के पीछे, जो सारा सारा श्रेय मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि कोई नहीं, एक आदमी वन मैन आर्मी योगेश लखानी जी, और जो उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज ब्राइट इतना बड़ा अंपायर पूरे देश में खड़ा करके, आज उनका एक ब्राइट की अपनी एक ब्रांड है, जो ब्रांड दूसरों को प्रमोट, दूसरी ब्रांड को प्रमोट करती है, उस ब्रांड, उसकी जो प्रमोट करने वाली कंपनी ही खुद अपने आप में एक ब्रांड है। तो 32 क्या, हम बस अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं कि 32 दूना 64, 64 हम रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा ब्राइट का सिक्का।